गाजीपुर में एक दिन भी ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन कोरोना से संक्रमित मरीज ना मिल रहे हों, जिसके कारण लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि मंगलवार को भी कोरोना के 50 नए मरीज पाए गए हैं। अब तक के ताजा आंकड़ों के अनुसार गाजीपुर में कुल 28,405 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए लिए जा चुके हैं, जिसमें से 27,294 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट भी आ चुकी है। इन 27,294 लोगों में से 25,952 लोगों के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। हालांकि 1,342 लोग पॉजिटिव भी पाए गए हैं। अभी तक कुल 1,111 लोगों के टेस्ट रिजल्ट पेंडिंग में हैं। आपको यह भी बता दें कि पॉजिटिव पाए गए लोगों में 691 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और उन्हें डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। गाजीपुर में अब तक कोरोना से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जिले में अब 602 एक्टिव केसेस हैं। आपको यह भी बता दें कि मौजूदा समय में कुल 333 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 50 मरीजों को अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। इसके अलावा 98 मरीज शम्मे गौसिया अस्पताल में, 18 BHU वाराणसी में, 8 अवध होटल में, 4 जिला अस्पताल में, 32 बुद्धम शरणम गाजीपुर में भर्ती हैं। जिले में रोजाना बढ़ रहे मरीजों की संख्या एक चिंता का विषय बन गई है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी अपना ख्याल रखें, बिना जरूरत बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। और गाजीपुर की ऐसी ही हमारी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।